नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का सवाल है क्वेश्चन इज टू पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली आर प्लेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ एफ़ ट्वेंटी फाइव परसेंट चार्ज ऑफ ए इज़ ट्रांसफर्ड टू बी देन फोर्स बिटवीन दैन बिटवीन दीज चार्जेस क्या होगा यह हमें बताना है वो कितना हो जाएगा और एफ़ के टर्म में हमें चार ऑप्शन देने uh, पहला है फोर एफ बाई थ्री दूसरा है एफ़ या फिर नाइन एफ बाई सिक्सटीन या फिर सिक्सटीन एफ़ बाय नाइन बहुत ही सिंपल सवाल है Uh, दो हैं अपने, uh, चार्ज हैं आपने चार्ज ए और बी इनको नाम दे देते हैं ये आपका प्लस क्यू चार्ज है या आपका माइनस क्यू चार्ज है इनको आपने एक सर्टेन आर के लेट से एक स्मॉल आर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो इनके बीच में जो फोर्स होएगा दैट विल बी इक्वल टू के क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ये आपका फोर्स हो गया ना हमने क्या किया ट्वेंटी फाइव परसेंट चार्ज ए से लेके हमने बी को ट्रांसफ़र कर दिया तो यहाँ से 25% परसेंट ऑफ पच्चीस परसेंट ऑफ़ क्यू हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया तो नेट चार्ज जो अब यहाँ बचेगा अगर इसका 25% परसेंट यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया तो वन फोर्थ हमने ट्रांसफर कर दिया ना ये चार्ज हो गया थ्री क्यू बाय फोर और ये चार्ज हो गया क्योंकि इसमें ये एक चार्ज ऐड हो गया है सो दिस विल भी फाइव क्यू बाय फोर यह आपका चार्ज इसकी नई वैल्यू हो गई तो इस केस में जो आपका नया फोर्स आएगा एफ़ टू डेट विल भी इक्वल टू के Uh, ये वाला नहीं सॉरी uh, इसमें जब आपने प्लस क्यू uh, प्लस वन बाय फोर क्यू एड किया है तो ये वाला जो चार्ज है आपका ये वाला चार्ज बन जाएगा माइनस क्यू प्लस क्यू बाय फोर और इसकी वैल्यू हो जाएगी थ्री बाय माइनस थ्री क्यू बाय फोर ये आपकी इसकी चार्ज की वैल्यू हो जाएगी नाउ इस केस में जो हमारा फोर्स होगा देट विल बी थ्री क्यू बाय फोर मल्टीप्लाइड बाय माइनस थ्री क्यू बाय फोर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें सो so आपका आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा के कैंसिल हो जाएगा क्यू स्क्वायर उठ जाएगा सो एफ़ टू डिवाइड बाय एफ वन विल बी इक्वल टू नाइन बाय सिक्सटीन राइट सो विच एम्प्लाइज आपका एफ़ टू विल बी इक्वल टू नाइन बाय सिक्सटीन एफ़ सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी नाइन बाय सिक्सटीन एफ वुड बी द राइट आंसर